हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से रियाड्स पे। तो आज के हमारे वीडियो है अमेज़न ब्यूटी हॉल। तो अमेज़न पे जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसकी मैं आज आपके साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करती हूँ। तो पहले आप इसके अनबॉक्सिंग देख ले, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू दे देती हूँ। तो अमेज़न पे शुरू हो रहा है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जो कि शुरू होने वाला है 17 से लेकर 20 जैन तक, और प्राइम मेंबर्स के लिए 16 से शुरू हो जाएगा। तो आप ये सेल मिस आउट मत करना, इसे ज़रूर शॉपिंग करना। शॉपिंग के साथ आपकी थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी सेल में, मिस आउट मत करना, शॉपिंग ज़रूर करना। तो पहले आप इसके अनबॉक्सिंग देख ले, फिर मैं आपको इसके साथ रिव्यू दे देती हूँ। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है मार्स ब्रांड का 3-in-1 आईब्रो पाउडर आईलाइनर मस्कारा, जो कि है ब्लैक कलर के शेड में, और इसकी प्राइस है 149 रुपीज़। और यहाँ पे इसका शेड दे रखा है 02। तो पहले मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का है ये। तो ये कुछ इस तरह का पेंसिल वाले टाइप में है, पेन पेंसिल आईलाइनर जैसे आते उस तरह का ही है, लेकिन ये 3-in-1 का है। तो अभी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको दो कैप मिलेगी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर की तरफ आईब्रो पेंसिल है, तो ये कुछ इस तरह से रोल ऑन वाला है। तो ये इस तरह से आपकी आईब्रो पेंसिल हो जाती है, और इसका शेड ब्लैक कलर का मिलेगा आपको, और ये स्मज प्रूफ है, तो ईजिली आपके आईब्रोज फिल हो जाएगी इससे। और फिर इसके नीचे वाली साइड पे इसका सेकंड वाला प्रोडक्ट है, जो कि है आईब्रो पाउडर। तो आपको ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके खोलना होगा। तो ये है आईब्रो पाउडर, तो ये आपके आईब्रोज को फिल करेगा कुछ इस तरह से टैप करने पे। और ये जो आईब्रो पाउडर है ये इसी के अंदर ही दे रखा है, लेकिन आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। और फिर इसके नीचे वाले साइड पे आपको मिल जाएगा मस्कारा, जो कि आप आईज़ पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आईब्रोज़ के लिए भी। तो आपको नीचे वाली तरफ ये मस्कारा मिल जाएगा, यानी कि आपको ये 3-in-1 मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको इस तरह के प्रोडक्ट की यूज़ होता है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, अच्छी क्वालिटी का है। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है CVB ब्रांड का मैट ब्लू मस्कारा, और इसकी प्राइस है 278 रुपीज़। तो इसमें ना क्वांटिटीज़ दे रखे थे कि आप एक नहीं ले सकते, इसको आपको दो ही लेना होगा। तो मैंने तो ये ले लिया है, लेकिन जब मैंने इसके खोल के देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और फिर ये यहाँ से खुल जाता है जैसे नॉर्मल सिंपल मस्काराज होते उस तरह से। लेकिन ये ब्लू मस्कारा पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, ना ही ये एक्सपायर था, लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका था। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस भी नहीं बोल सकते, इसकी जो स्मेल आ कर रहा था, ये बहुत ही गंदी तरीके से स्मेल कर रहा था, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, फुल्ली ड्राई हो चुका था। और ये एक नहीं, दोनों भी इस तरह से हो चुके थे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये परचेस करें, और वैसे भी ये नॉन रिटर्नेबल है। तो आपको अगर ट्राई करना हो तो देख सकते हो, लेकिन दूसरे ब्रांड का ट्राई करना, इस ब्रांड का नहीं। तो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है ADS का कंसीलर पैन स्टिक, और उसकी प्राइस है 188 रुपीज़, और ये मैंने शेड नंबर में परचेस किया है 02। तो ये एक कंसीलर है जो कि मैंने पहले ट्राई कर चुका था, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे, बहुत ही अच्छे से। तो ये कुछ इस तरह का रोल ऑन वाला है, तो आपको कुछ इतनी क्वान्टिटी तो मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको ये शेड ट्राई करके दिखा देती हूँ। तो ये 02 शेड है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ये इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ करने के बाद डबल लेयर जो लगती है उस तरह से नहीं लगेगा ये। और इससे आपके डार्क स्पॉट्स भी इजीली हाइड हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे इससे।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसकी क्वालिटी तो अच्छी लगी, वैसे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड भी अच्छा है। वैसे तो मैंने ये काफ़ी बार ट्राई कर चुके हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, एक बार क्यों ना हो लेकिन ट्राई ज़रूर करना, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर नेक्स्ट मैंने परचेस किया है मास ब्रांड का वंडर हाइलाइटर, और इसकी प्राइस है 249 रुपीज़। और इसका शेड मैंने परचेस किया गोल्ड रश, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, एक या दो तब वो जाके चेक कर लेना। तो ये कुछ इस तरह का आपको हाइलाइटर का पैलेट मिल जाती है। और ये वाला जो हाइलाइटर है वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये कुछ इस तरह का मिलेगा, तो आपको एक साइड से ही ओपन करने का मिलेगा, जो कि इजीली ओपन हो जाता है। तो आपको इसके अंदर एक छोटा सा मिरर मिल जाएगा, अगर आप इसे ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपको एक मिरर भी मिलेगा। और ये गोल्ड रश का हाइलाइटर है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और लॉन्ग लास्टिंग है। तभी मैं आपको ये शेड ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का गोल्ड रस्क है, तो ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैंने ये फर्स्ट टाइम परचेस किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये वाला जो इसका पैलेट है, तो ये ना मैग्नेटिक वाला है, तो नीचे की तरफ ये इस तरह से मैग्नेट से बंद हो जाता है, और ऊपर वाले साइड पर छोटा सा मैग्नेट दे रखा है। और उसके साथ ना आपको मिरर भी मिलेगा, यानी कि आप इजीली ट्रैवल के लिए ले जा सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर है ये। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मार्स ब्रांड का ही अल्टर कर्ल मस्कारा परचेस किया है, और इसकी प्राइस है 179 रुपीज़। तो ये मैंने ब्लैक कलर का मस्कारा परचेस किया है मार्स ब्रांड का, तो ये कोई कुछ इस तरह का है, तभी मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो मस्कारा है वो वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जेट ब्लैक कलर का है। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से कर्ल मस्कारा है, जो कि आपके आईज़ के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे इजीली लग जाता है। जो सिंपल वाले स्ट्रेट वाले होते हैं वो लग तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये कर्ल वाला कुछ इजीली लग जाता है। और इसका कलर बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और वाटरप्रूफ भी है। और मास ब्रांड के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट मैंने परचेस किया है रेनी ब्रांड का फैब फेस दीवा 3-in-1 मेकअप स्टिक, और इसकी प्राइस है 540 रुपीज़। और इसमें आई शेडो और ब्लश और लिपस्टिक का, तो इसमें एक न्यूड भी अवेलेबल था, तो मैंने दीवा का परचेस किया है, जो कि आप न्यूड भी जाके चेक कर सकते हो किस तरह का है। तो ये एक स्टिक है जो कि आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आपको इसके अंदर आई शेडो ब्लश और लिपस्टिक मिल जाती है एक साथ में ही। तो ये थोड़ा सा आगे तरफ पुश करने के बाद आपको ये आई शेडो मिलेगा, जो कि है गोल्डन, तो हल्का सा इसमें शिमरी है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था। और फिर थोड़ा सा और ऊपर पुश करने के बाद पुल करके आप इसे नीचे लगा देते हो तो आपको एक ब्लश मिल जाता है। तो ये एक क्रीमी फॉर्म में ब्लश है कुछ इस तरह का, तो आप इसे लगाने के बाद जैसे ही ब्लेंड करते हो बहुत ही अच्छा शेड मिलता है। और फिर सेम इसे आगे तरफ पुश करने के बाद नीचे लगाने के बाद आपको ये लिपस्टिक मिल जाती है, जो कि शेड रेड में है, चेरी रेड। तो ये बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 3-in-1 स्टिक। तो अगर आप कहाँ पे ट्रैवल करते हो और आपको ये प्रोडक्ट्स एक साथ में ही चाहिए होता है, तो ये कम स्पेस में आपको लिपस्टिक आई शेडो ब्लश एक साथ में ही मिल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो ट्रैवल के लिए भी, या फिर आप कहाँ पर कैरी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है 3-in-1 का, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, और इसकी जो पिगमेंटेशन है वो भी अच्छी है। और फिर सेम मैंने रीने ब्रांड का ही फैब 3-in-1 आई शेडो परचेस किया है, जिसकी प्राइस है 569। तो ये एक आई शेडो स्टिक है, जैसे कि पहले आपको लिपस्टिक ब्लश और आई शेडो एक मिल रहा था, लेकिन मैंने ये एक सिर्फ आई शेडो की स्टिक परचेस किया है। तो इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं इन वन स्टिक, तो ये वर्स जो कि रोज़ गोल्ड में टाइप में मिल रहा है, और फिर इसके नीचे वाली साइड में आपको थोड़ा सा रेडिश कलर में मिल जाएगा। और ये जो आई शेडोज हैं ये आपको हाईली पिगमेंटेशन मिलेगा, और इसके जो शेड है वो बहुत ही प्यारे हैं। नीचे वाले साइड पे आपको ये पिंक पर्पल वाले टाइप में मिल जाएंगे, तो आप इसका शेड देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं, और आप इसे भी ट्रैवल के लिए ले जा सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं।
और वैसे तो ये स्मच प्रूफ नहीं है लेकिन वाटर प्रूफ ज़रूर है। और ये जो लिपस्टिक है ये भी स्मच प्रूफ नहीं है लेकिन वाटर प्रूफ ज़रूर है। वैसे तो क्वालिटी दोनों की बहुत ही अच्छी है। और फिर नेक्स्ट मैंने परचेस किया है सीरिया ब्रांड का फोकस आई शेडो स्टिक और इसकी प्राइस है 684 रुपीज़, लेकिन इसके ऊपर दे रखा है 1000 रुपीज़, लेकिन ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है 684 रुपीज़। और ये पैक ऑफ 5 का है और ये सभी आई शेडोज की स्टिक्स है, तो आपको ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हो गए। तो ये वाला जो आई शेडो शेड है तो उसका नंबर दे रखा है E2 इलेक्ट्रिक। अभी मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। तो ये वाले जो आई शेडोज है वो स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग फुल डे है, बहुत ही अच्छे है। तो आपको ये कुछ इस तरह की स्टिक मिल जाएगी आई शेडो की, तो आपको ये एज अ पेंसिल की तरह ही यूज़ करना है। और ये शिमरी स्पार्कलिंग टाइप में आई शेडो के शेड मिलेंगे आपको। तो ये है 02 इलेक्ट्रिक शेड जो कि है ब्लू कलर में, और इसमें ना हल्के हल्के से जो स्पार्कली दे रखे है उससे इसका जो शेड है बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये लगाने के बाद दिखते हैं, वैसे आपको वीडियो में नहीं नज़र आ रहे होंगे। और फिर नेक्स्ट है E3 जेडी जो कि ग्रीन कलर में, और इसका भी शेड बहुत ही प्यारा है कुछ इस तरह का। और फिर नेक्स्ट है E4 डेनियम और ये भी ब्लू कलर का है लेकिन ये नेवी ब्लू है। ये दोनों ब्लू कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे कलर लग रहे थे ये लगाने के बाद, और फुल्ली रेडी होके तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और फिर नेक्स्ट है E5 ग्लास, ये है गोल्डन कलर, तो गोल्डन भी बहुत ही प्यारा है। तो आपको ये 5 का पैक मिलेगा, और ये वाला जो गोल्डन है ये आप हाइलाइटर की तरह भी हल्का हल्का सा यूज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट है E7 स्मोकी जो कि है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के आपको आई शेडो में गोल्डन कलर की स्पार्कलिंग मिलेगी, मतलब शिमरी टाइप में, और बाकी के जो शेड्स है उसमें आपको सेम कलर के ही मिलेंगे, बस गोल्डन मिलेगा आपको ब्लैक वाले में। और ये लगाने में बहुत ही प्यारे लगेंगे, इसके शेड बहुत ही अच्छे हैं और ये फुल्ली लॉन्ग डे तक रहता है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। ये मैंने वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ ट्राई करके देखा था, बहुत ही प्यार है। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो यूज़ करके तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, अभी इसे यूज़ करना और मुझे ट्राई करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसे लगे। और ये सभी प्रोडक्ट्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।